रुके हुए पानी से सड़ांध आने लगती है। उसी प्रकार जब आप एक जगह रहते हैं तो आपका मन बेचैन होने लगता है, विचलित होने लगता है। इसलिए मन करता है कहीं किसी लंबी यात्रा पर निकल जाएं। तो साथियों, अभी विचार बन रहा है पूना जाने का, और पूना से जाएंगे भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भीमा नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ही जल्द आपको इस पूरी यात्रा के वीडियो मिलने वाले हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पूना से 115 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, और अभी तक हमारे 11 ज्योतिर्लिंग हो चुके। गिनती के हिसाब से देखें तो ये हमारा 14वां ज्योतिर्लिंग है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हम 14 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं। इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग और औड़ा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसमें से आखिरी के दो ज्योतिर्लिंग जो हैं, जैसे परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, तो झारखंड में भी बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, और औड़ा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में है, और वैसा ही ज्योतिर्लिंग है गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इन दो ज्योतिर्लिंग पर कंट्रोवर्सी है, लेकिन इन दो ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी हम कर चुके हैं। इस प्रकार हमारा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग होने के बाद हमारे 14 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। हम पहुँच जाएंगे पूना, और एक दिन हम करेंगे पूना भ्रमण, जिसमें शनिवार बाड़ा, लाल महल, दगड़ू सेठ का मंदिर, पातलेश्वर गुफा। दूसरे दिन जाएंगे भीमाशंकर, और ये वीडियो आपको जल्द मिलने वाले। तो साथियों, आज से शुरू हो रही है भीमाशंकर यात्रा। नमस्कार साथियों, हम जा रहे हैं इस समय भीमाशंकर। अभी हैं इस समय हम बभौरी में, और यहाँ से जाएंगे इटारसी, और इटारसी में से हमारी गाड़ी है। कितने बजे है गाड़ी? 6 बजे। 6 बजे हमारी इटारसी से गाड़ी है, जबलपुर पूना एक्सप्रेस है? गाड़ी का नाम अच्छे से पता नहीं है, और हमारे जो साइडर हैं वो बता नहीं रहे हैं। और उसके बाद पूना जाएंगे, एक दिन पूना भ्रमण करेंगे, और फिर उसके बाद एक दिन पूना भ्रमण और एक दिन भीमाशंकर भ्रमण।